हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनबॉक्स केमिस्ट्री। और आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। कल इसी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने थ्योरी की थी, और आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम जून 2014, और हमें क्या दे रखा है, हमें एक वेव फंक्शन दे रखा है साई इज इक्वल टू 0.85 a प्लस 0.45 b इज़ अ नॉर्मलाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ अ डायटॉमिक मॉलिक्यूल ए बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम फाई ए एंड फाई बी विच आर ऑल्सो नॉर्मलाइज्ड। द ओवरलैप बिटवीन फाई ए एंड फाई बी इज, अब देखो हमें एक वेव फंक्शन दे रखा है और कह रहा है कि एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। अगर ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है तो कल हमने कंडीशन की थी कि अगर साई नॉर्मलाइज्ड है तो C1² प्लस C2² प्लस 2C1C2S जो है वो इक्वल्स टू 1 होगा, है ना। और हमें दे रखा है नॉर्मलाइज्ड है तो ये कंडीशन मतलब वो फॉलो करेगा, और हमसे पूछा क्या हुआ S ओवरलैपिंग इंटीग्रल, ठीक है। अब हमें साई दे रखा है 0.85 प्लस 0.45 भी, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ साई इज इक्वल टू C1 5A प्लस C2 5B। अब देखो कंपेयर करूँ अगर मैं दोनों इक्वेशन को तो C1 की वैल्यू मेरे को दे रखी है 0.8, वेयरएज C2 की वैल्यू क्या दे रखी है 0.4। अब जो ये दे रखा है C1 इज इक्वल टू 0.8 एंड C2 इज इक्वल टू 0.4, मैं ये इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूँगी। तो जब मैंने इस वाली इक्वेशन में पुट किया तो मेरे पास क्या आएगा, 0.8² प्लस 0.4² प्लस 2 इंटू 0.8 इंटू 0.4S इक्वल्स टू 1। 0.8 का स्क्वायर क्या होगा 0.64, 0.4 का स्क्वायर क्या होगा 0.16, और इसको सॉल्व करके आया हमारा 2 इंटू 0.8 इंटू 0.4 हमारा आया 0.64S इक्वल्स टू 1। हमें S की वैल्यू चाहिए तो मैंने यहाँ पे 0.64S को रखा, और ये जो दो वैल्यूज़ है मैं राइट हैंड साइड ले गई इनको, तो ये बन गया 1 माइनस 0.64 माइनस 0.16, इसको सॉल्व करके मेरा आया 0.20। अब मेरे को S की वैल्यू चाहिए तो 0.64 से डिवाइड कर दूंगी, तो 0.20 डिवाइड बाय 0.64, तो मेरा आंसर क्या आ गया 0.31। तो S की जो वैल्यू आई है दैट इज़ 0.31, तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है हमारा वो हमारी S की वैल्यू हो गई 0.31। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम दिसंबर 2012 CSIR नेट। वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल ए बी हैज़ द फॉर्म CaSiA प्लस CbSiB, वेयर Si A एंड Si B आर नॉर्मलाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल सेंटर्ड ऑन A एंड B रिस्पेक्टिवली। द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस ऑर्बिटल इज फाउंड ऑन एटम बी विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 90%, नेग्लेक्टिंग द ओवरलैप बिटवीन साई ए एंड साई बी अ पॉसिबल सेट ऑफ सी ए एंड सी बी इज। हमें एक पोलर मॉलिक्यूल दे रखा है ए बी, और वेव फंक्शन जो है वो इस फॉर्म में है, साई ए और साई बी जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ए और बी की, ठीक है। और हमें कह रहा है प्रोबेबिलिटी जो है फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एटम बी पे वो है 90%, कह रहा है एस को तो नेगलेक्ट कर देना, एस को हमें नेगलेक्ट करना है, एस क्या होता है हमारा ओवरलैप इंटीग्रल, और हमसे सी एंड सी बी पूछ रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन, देखो हमें पता है कि जो हमारा साय एम ओ होता है वो हम कैसे लिखते हैं, सी ए साय ए प्लस सी बी साय बी, और ये हमें क्वेश्चन में भी दे रखा है ना। जो हमने कल की वीडियो की थी एम ओ टी से रिलेटेड, तब मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ इलेक्ट्रॉन अगर एटम ए पे हमें देखना है तो पी ए क्या होती है C a² प्लस 2 CaCbS। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एटम बी दैट इज़ Pb इज इक्वल टू Cb² प्लस 2 CaCbS। अब क्वेश्चन में देखो हमें क्या दे रखा है, नेगलेक्ट करना ओवरलैपिंग इंटीग्रल को, मतलब S को मैं ज़ीरो लेकर चल रही हूँ, नेगलेक्ट कर रही हूँ मैं उसको। अगर मैं S को ज़ीरो कर दूँ यहाँ पे तो मेरी ये जो टर्म है ये हो जाएंगी ज़ीरो, ठीक है, दोनों इक्वेशन में। तो पी ए किसके इक्वल आ जाएगा CaSquare के, और पी बी किसके इक्वल आ जाएगा CbSquare के। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पी ए इक्वल्स टू CaSquare और पी बी इज इक्वल टू CbSquare, और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है ऑर्बिटल कोफिशिएंट दैट इज सी ए एंड सी बी की वैल्यू। यहाँ से अगर मैं सी ए की वैल्यू निकालूँ तो वो होगी अंडर द रूट पी ए
और सी बी की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, अंडर द रूट पी बी। अब देखो पी बी की वैल्यू की दे रखी है 90%, ठीक है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.90, ठीक है, और सी बी की वैल्यू क्या होगी, अंडर द रूट पी बी, तो अंडर द रूट 0.90। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.90। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन एटम ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ एटम और इलेक्ट्रॉन इन एटम बी इज इक्वल टू 1, दैट इज पी ए प्लस पी बी इक्वल्स टू 1। अब पी बी हमें दे रखा है 0.90, तो मैं यहाँ से पी ए निकाल सकती हूँ, पी ए की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस पी बी, तो 1 माइनस 0.90 तो वो क्या हो जाएगा 0.10, तो मेरी पी ए की वैल्यू क्या आ गई 0.10। अगर मेरे को पी ए पता चल गया तो मैं सी ए की वैल्यू निकाल लूँगी, सी ए इज इक्वल टू अंडर द रूट पी ए होगा, तो मैं रूट ले लूँगी 0.10 का, तो वो आंसर क्या आ जाएगा 0.32। तो जो मेरी सी बी की वैल्यू निकली है वो निकली है 0.95, वेयर एज सी ए की जो वैल्यू निकली है वो है 0.32। तो मेरी सी ए की वैल्यू, सी बी की वैल्यू तो निकली थी 0.95 और सी ए की निकली थी 0.32, तो आंसर क्या हो गया डी। ठीक है, कुछ नहीं करना था, सब कुछ क्वेश्चन में मेंशन था, हमें सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए था और हमें जस्ट पुट करके आंसर निकालना था। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। द स्पेटियल पार्ट ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू 1 सिग्मा जी 1, 1 सिग्मा यू 2 माइनस 1 सिग्मा जी 2, 1 सिग्मा यू यूजिंग लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल एमओ एक्सपेंशन ऑफ 1 सिग्मा जी एंड 1 सिग्मा यू इन टर्म्स ऑफ वननेस एटॉमिक ऑर्बिटल। वन कैन इन्फर दैट द वेव फंक्शन हैज ओनली आयनिक पार्ट, ओनली कोवेलेंट पार्ट, बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट पार्ट, नीदर आयनिक नॉर कोवेलेंट पार्ट। ये हमारा क्वेश्चन है CSIR December 2016 से। ठीक है, अब ना हमें ये इक्वेशन दे रखी है सिग्मा G1 सिग्मा U2 माइनस सिग्मा G2 इंटू सिग्मा U1। कह रहा है कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपके पास लास्ट में इक्वेशन बचेगी उसमें सिर्फ आयनिक पार्ट है, सिर्फ कोवेलेंट पार्ट है, दोनों आयनिक कोवेलेंट पार्ट है या नीदर आयनिक नॉर कोवेलेंट पार्ट है। तो हमें पता है कि हम वेव फंक्शन जो हमारी सिग्मा जी ऑर्बिटल है, अगर सिग्मा जी दे रखा है तो वो हमारी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है, और जो हमारी सिग्मा यू है वो हमारी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब हमें वेव फंक्शन तो लिखना आता है। अगर मैं सिग्मा जी वन के कॉरस्पॉन्डिंग, ये हमारी क्या है, वेव फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगी, फाइ ए वन प्लस फाइ बी वन, कल हमने लिखना सीखा था। ठीक है, बस कुछ नहीं, नोटेशन चेंज किया, वहाँ पे हम साय एम ओ लेकर चलते थे, यहाँ पे सिग्मा जी वन दे रखा है इन्होंने, और जी हमारा जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर बॉन्डिंग है तो यहाँ पे आएगा प्लस, कल भी बताया था मैंने, तो क्या बनेगा सिग्मा जी वन की वैल्यू, फाई ए वन प्लस फाई बी वन। सिमिलरली जो मेरा सिग्मा जी टू है वो भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, और इसकी वैल्यू आएगी फाई ए टू प्लस फाई बी टू। और जो हमारा सिग्मा यू टू है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू होगी फाई ए टू माइनस फाई बी टू, और सिग्मा यू वन की वैल्यू होगी फाई ए वन माइनस फाई बी वन। ठीक है, एम ओ टी के केस में हम क्या करते हैं कि अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो हम पहले दोनों ऑर्बिटल में पहला ही इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं। ठीक है, वन के कॉरस्पॉन्डिंग दोनों ऑर्बिटल्स में हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ही फिल कर रहे हैं, ये हमने कल सब कुछ डिस्कस किया था। ठीक है, आपको अब मेरे को जो जो ये वैल्यूज़ हमें चाहिए थी वो सारी मैंने यहाँ पे लिख दी। अब मैं ये सारी वैल्यूज़ इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूँगी। सबसे पहले सिग्मा जी वन की वैल्यू, सिग्मा जी वन की वैल्यू क्या है, फाई ए वन प्लस फाई बी वन, तो मैंने पुट कर दी फाई ए वन प्लस फाई बी वन। फिर है सिग्मा यू टू, तो उसकी वैल्यू क्या है, फाई ए टू माइनस फाई बी टू। फिर है सिग्मा जी टू, तो सिग्मा जी टू की वैल्यू क्या थी, फाई ए टू प्लस फाई बी टू। फिर है इंटू सिग्मा यू वन, तो सिग्मा यू वन की वैल्यू क्या है, फाई ए वन माइनस फाई बी वन। अब ना हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले जो ये देखो फाई ए वन को मैंने पहले मल्टीप्लाई किया इससे, तो ये मेरा आ गया फाई ए वन इंटू फाई ए टू, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर मैंने फाई ए वन को मल्टीप्लाई किया इससे, तो मेरा आ गया माइनस के फाई ए वन इंटू फाई बी टू। फिर मैं फाई बी वन को मल्टीप्लाई करूँगी इन दोनों से,
तो मेरा क्या आएगा, 5b1 into 5a2 माइनस 5b1 into 5b2, ठीक है। अब ये माइनस तो यहाँ पे है, तो ये माइनस मैंने बाहर ही रख दिया ब्रैकेट के बाहर। फिर से मैं 5a2 को मल्टीप्लाई करूँगी इन दोनों से, फिर मैं 5b2 को मल्टीप्लाई करूँगी इन दोनों से, तो क्या आएगा, 5a2 into 5a1, तो मैंने लिख दिया 5a2 into 5a1, फिर 5a2 into 5b1, और नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव भी आ गया यहाँ पे। फिर 5b2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 5a1 से, मेरा आएगा 5b2 into 5a1, फिर मैं 5b2 को मल्टीप्लाई करूँगी 5b1 से, तो मेरी इक्वेशन बनेगी 5b1 into 5b2। कुछ नहीं किया, सिर्फ सिंपल मल्टीप्लीकेशन थी जो ब्रैकेट में, वो सारी सॉल्व करके लिख दी है। अब देखो नेगेटिव साइन जो कॉमन था, ये देखो नेगेटिव साइन बाहर है, तो मैं इसको नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये वाली टर्म बन जाएगी नेगेटिव, और जो टर्म नेगेटिव में थी वो बन जाएंगी पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाता है पॉजिटिव, ठीक है। तो जब मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगी, तो जो मेरी इक्वेशन बनती है वो मेरी इक्वेशन बनेगी कुछ ऐसे। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको आप कैंसिल कर सकते हो, ये देखो 5a1 into 5b2 एक प्लस में है, और सिमिलरली 5a2 into 5a1, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। जैसे प्लस वन माइनस वन को हम कैंसिल करके जीरो लिख देते हैं, सेम ये टर्म प्लस में थी और ये है माइनस में, तो ये कैंसिल हो गई। सिमिलरली ये वाली टर्म देखो, ये तो नेगेटिव में है सिमिलर टर्म, और ये है पॉजिटिव में, तो ये भी कैंसिल होगी दोनों टर्म्स। हमारे पास जो बची वो है ये, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करके आएगा माइनस के 2 5a1 इंटू 5b2, इन दोनों को ऐड करोगे तो बनेगा प्लस के 2 5a2 इंटू 5b1। अब देखो कल मैंने क्या बताया था कि अगर 5a1 5b आ रहा है हमारे पास, 5a1 इंटू 5b2 डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो वो हमारी कौन सी टर्म होती है, कोवलेंट टर्म। अगर 5a1 इंटू 5a1 आता, सॉरी 5a1 इंटू 5a2 आता, मतलब अगर सेम एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती यहाँ पे, तो वो हमारी होती आयनिक। लेकिन देखो डिफरेंट है, 5a1 इंटू 5b2 है, तो ये हमारी क्या है, कोवलेंट टर्म। और यही हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कौन सी टर्म्स बचती हैं, कोवलेंट, आयनिक या फिर बोथ। तो हमारे पास क्या बचती हैं, कोवलेंट। तो हमारा आंसर क्या होगा, ओनली कोवलेंट पार्ट, जो हमारा ये दे रखा था हमें क्वेश्चन में इक्वेशन, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सिर्फ कोवलेंट पार्ट्स ही बचते हैं, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड। सिमिलरली कंसेप्ट पे बेस्ड CSIR 2016 दिसंबर में आया था ये क्वेश्चन, जून में आया था ये क्वेश्चन। तो इन सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, बॉन्डिंग सिग्मा जी एंड एंटी बॉन्डिंग सिग्मा यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर कंस्ट्रक्टेड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ टू हाइड्रोजन एटम। द स्पेटियल पार्ट ऑफ अ प्योरली कोवलेंट सिंगलेट वेव फंक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय। हमसे पूछ रहा है, हमें दे रखा है सिग्मा जी दे रखी है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा यू दे रखी है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हमें ऑप्शंस दे रखी हैं, और कह रहा है ये जो ऑप्शंस हैं इनको आप सॉल्व करोगे तो किस में हमारे पास प्योरली कोवलेंट वेव फंक्शन आता है, ठीक है, प्योरली कोवलेंट वेव फंक्शन किस में आएगा हमारा। तो हम सॉल्व करेंगे, पहले हमें सिग्मा जी स्क्वायर और सिग्मा यू स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो पहले मैं सिग्मा जी, हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दे रखा है, दैट इज टू एटम टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। तो पहले मैं बॉन्डिंग के कॉरस्पॉन्डिंग लिख लेती हूँ, पहले मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिख रही हूँ, तो वो आएगी 5a1 प्लस 5b1। फिर मैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन लिख रही हूँ, तो वो आएगा 5a2 प्लस 5b2। तो ये मेरी आ गई दोनों बॉन्डिंग के लिए वेव फंक्शन। अब एंटी बॉन्डिंग के लिए अगर मैं लिखूंगी तो क्या आएगा, सिग्मा यू वन कर फर्स्ट, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन है वो है 5a1 माइनस 5b1। फिर मैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन लिखूंगी कॉरस्पॉन्डिंग टू सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो 5a2 माइनस 5b2। एंटी बॉन्डिंग में मैंने आपको बताया था सिर्फ नेगेटिव आ जाता है, बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो सेम हैं। अब मेरे को अगर सिग्मा जी स्क्वायर चाहिए, ये स्क्वायर है, तो मैं सिग्मा जी वन इंटू सिग्मा जी टू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो सिग्मा जी वन की वैल्यू क्या है, 5a1 प्लस 5b1। सिग्मा जी टू की वैल्यू क्या है, 5a2 प्लस 5b2।
फिर से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, देखो फाई ए वन को मैंने मल्टीप्लाई किया फाई ए टू से, तो ये आ गया फाई ए वन इंटू फाई ए टू। फिर मैंने फाई बी वन को मल्टीप्लाई किया फाई ए टू से, तो आ गया फाई बी वन इंटू फाई ए टू। फिर मैंने फाई ए वन को मल्टीप्लाई किया फाई बी टू से, फिर मैंने फाई बी वन को मल्टीप्लाई किया फाई बी टू से, सॉल्व करा है तो मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी। सिमिलरली मैं सिग्मा यू स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल लूँगी। सिग्मा यू वन क्या था हमारा, फाई ए वन माइनस फाई बी वन। सिग्मा यू टू क्या था, फाई ए टू माइनस फाई बी टू। इसको भी मैं मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लूँगी तो मेरी जो सिग्मा यू स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी फाई ए वन इंटू फाई ए टू माइनस फाई बी वन इंटू फाई ए टू माइनस फाई ए वन इंटू फाई बी टू प्लस फाई बी ए इंटू फाई बी टू। अब देखो हमसे पूछा था प्योरली कोवलेंट के लिए, तो मैं ऑप्शन ना सी को सॉल्व कर रही हूँ पहले। तो हमारी ऑप्शन सी क्या है, सिग्मा जी स्क्वायर माइनस सिग्मा यू स्क्वायर, इसके लिए मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो सिग्मा जी स्क्वायर माइनस सिग्मा यू स्क्वायर क्या होगा, ये देखो सिग्मा जी स्क्वायर की वैल्यू ये थी तो मैंने पुट कर दी सिग्मा जी स्क्वायर की वैल्यू। अब सिग्मा यू स्क्वायर की वैल्यू ये थी और मैंने माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, माइनस के साथ माइनस सिग्मा यू स्क्वायर की वैल्यू पुट की है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखो जो लाइक टर्म्स हैं उनको कैंसिल कर दो, ये देखो प्लस के फाई ए वन फाई ए टू और माइनस के फाई ए वन फाई ए टू, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में। और देखो जैसे अगर प्लस वन होता और माइनस वन होता तो हम उसे काट के लिख देते हैं जीरो, सेम कंसेप्ट यहाँ पे, ये पूरी टर्म सिमिलर प्लस में थी और ये सेम टर्म माइनस में, तो दोनों कैंसिल होके आंसर आ जाएगा जीरो इसका, तो ठीक है। फिर ये वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, फाइव ए वन फाइव बी टू ये पॉजिटिव में है और ये पूरी सिमिलर टर्म नेगेटिव में, तो ये भी कैंसिल होगी। हमारे पास बची ये वाली टर्म्स, इनको ऐड करके लिख दो, लिखोगे तो आएगा टू फाइव बी वन इंटू फाइव ए टू प्लस फाइव ए वन फाइव बी टू, टू बाहर कॉमन ले लिया था, ठीक है। अब ये देखो फाइव बी वन और फाइव ए, फिर से फाइव ए और फाइव बी, मतलब जब हमारी डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं तो मैंने बताया था वो हमारा प्योरली कोवलेंट का केस हो जाता है। तो सिग्मा जी स्क्वायर माइनस सिग्मा यू स्क्वायर को जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा प्योरली कोवलेंट, ठीक है। और क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा था कि बताओ प्योरली कोवलेंट वेव फंक्शन कब ऑब्टेंड होगा, तो ये होगा थ्री सिग्मा जी स्क्वायर माइनस सिग्मा यू स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा जी स्क्वायर माइनस सिग्मा यू स्क्वायर को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एक प्योरली कोवलेंट सिंगलेट वेव फंक्शन ऑप्टेंड होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन थ्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच।